आप सबों का लिविंग हैप्पीली के डिवोशनल सीरीज में मैं नरेंद्र कुमार तहे दिल से स्वागत करता हूं। मुझे उम्मीद है आप हमारे वीडियो को एंजॉय कर रहे हैं, काफी सारे जानकारी हासिल कर रहे हैं। मैं आज पेश कर रहा हूं, आज शुभकामनाएं का दिन है, तहे दिल से कोटि कोटि शुभकामनाएं। आज सचमुच एक विशिष्ट दिवस है, यह अक्षय तृतीया का दिवस जिसमें कि महर्षि परशुराम का जन्म दिवस है, माँ गंगा के अवतरण का दिवस है, माँ अन्नपूर्णा का जन्मदिन है, भगवान श्री कृष्ण और सुदामा के मिलन दिवस है, कुबेर देव के धनाधिपति बनने का आज शुभ दिन है, भगवान बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने का दिन है। अनंत कोटि कोटि शुभकामनाएं आप सबों को। आज मैं नरेंद्र कुमार अक्षय तृतीया जो कि इस वर्ष 2019 में 7 मई को है, इसका महत्व क्या है आइए हम आपको विस्तार में बताते हैं। इसकी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ मुझे उम्मीद है परशुराम जयंती पर बनाए हुए मेरे 6 वीडियो आपने देख लिया होगा, और अगर नहीं तो यहाँ लिंक है, डिस्क्रिप्शन में भी है, आप उसे जरूर देखिए, जानकारी बढ़ाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कीजिए। आज सचमुच यह एक विशिष्ट दिवस है, आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि यह अक्षय तृतीया हमारे जीवन में किस रूप से इतना शुभ है, आज क्यों हमें शुभ काम अवश्य करना चाहिए, इस दिवस से क्या क्या और मैच हो रहे हैं, क्या हमारे वेद पुराण में इस तिथि को हुए हैं, इतिहास को हुए हैं, जानिए। तो सबसे पहले महर्षि परशुराम का जन्म आज हुआ है, जो कि भगवान विष्णु के 6ठे अवतार अवशेषावतार के रूप में जाने जाते हैं। महर्षि परशुराम यही हैं जो अपने परशु के बदौलत, अपने ताकत के बदौलत, अपने दिमाग के बदौलत दोनों को किस तरह से संयमित रहना हमें सिखाते हैं। आज के ही दिन माँ गंगा का अवतरण धरती पर हुआ था। आप सभी अवगत हैं माँ गंगा हमारे जीवन में, आर्थिक जीवन में कितना इनका महत्व है, कितना पुण्य होता है गंगा स्नान से। माँ अन्नपूर्णा का जन्म भी आज के ही दिन हुआ था। द्रौपदी का चीरहरण होने के समय भगवान श्री कृष्ण ने आज के दिन ही उन्हें बचाया था। कृष्ण और सुदामा का मिलन भी आज के ही दिन हुआ था। मित्रों, सचमुच अक्षय तृतीया का अनमोल महत्व है। कुबेर को आज के ही दिन खजाना मिला था। सतयुग और त्रेता युग का प्रारंभ आज के ही दिन हुआ था। ब्रह्मा जी के पुत्र अक्षय कुमार को अवतरण का आज के ही दिन हुआ था। प्रसिद्ध तीर्थ स्थान बद्रीनारायण जी का कपाट आज के ही दिन प्रतिवर्ष खोला जाता है। इससे आप समझ सकते हैं अक्षय तृतीया का महत्व। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में साल में केवल आज के दिन ही श्री विग्रह चरण के दर्शन होते हैं, अन्यथा साल भर वे वस्त्र से ढके रहते हैं। इसी दिन महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ था। अक्षय तृतीया अपने आप में स्वयं सिद्ध मुहूर्त है, कोई भी शुभ कार्य आज प्रारंभ किया जा सकता है। हिंदू धर्म के मुताबिक अक्षय तृतीया के अनमोल महत्व है, तो आइए आज से ही प्रारंभ करते हैं शुभ काम। और वह शुभ काम और कुछ नहीं, अपने शरीर पर प्रतिदिन कम से कम 30 मिनट समय खर्च कीजिए, अपने दिमाग पर कम से कम 2 घंटे का समय खर्च कीजिए, यही शुरुआत आज कीजिए। आप सबों को इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।